हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द 100 मैच नंबर 6, वेल्श फायर वर्सेस ओवल इनविंसिबल विमेंस के बीच में जो मैच है। कब है? शाम 7 बजे इसका टॉस होगा, 7:30 में मैच शुरू हो जाएगा। वेन्यू है गाइज सोफिया गार्डन्स कार्डिफ के ऊपर ये मैच होने वाला है। 2023 की अगर हम पॉइंट टेबल देखें, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कट टू कट बिल्कुल वैल्यू देने वाला हूँ, हेड टू हेड स्पेशल, वेन्यू स्पेशल और रिसेंट फॉर्म और टीम हमारी ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन। तो बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल आपको प्योर वैल्यू ही मिलेगी, टाइम वेस्ट कहीं भी आपका नहीं होने वाला है। 2023 की पॉइंट टेबल देखते हैं तो 2023 में यानी कि पिछले साल 8 में से 5 मैच जीते थे वेल्श फायर ने और 8 में से 3 मैच जीते थे ओवल इनविंसिबल्स ने। हेड टू हेड की बात करें, 2 मैच दोनों टीम से आपस में खेले और दोनों के ही दोनों मैच वेल्श फायर ने जीते हुए हैं। वेन्यू की बात करें सोफिया गार्डन्स कार्डिफ की, तो यहाँ पर इकलौता वुमेंस का T20 मैच हुआ है इंटरनेशनल, वो हुआ था 2015 में, काफ़ी पुरानी बात है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस का। और यहाँ पर 111 बने थे पहली पारी में, ऑस्ट्रेलिया ही बैटिंग कर रही थी, इंग्लैंड ने चेस कर लिया था 114 5 विकेट के नुकसान पर। पहली पारी में राइट आर्म पेसर्स को 8 विकेट मिले थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को 2 और दूसरी पारी में राइट आर्म पेसर्स को 4, यानी कि जो वुमेंस का मैच हुआ था उसमें सिर्फ 2 विकेट मिले थे स्पिनर्स को और यहाँ पर 12 विकेट जो हैं वो फास्ट बॉलर्स लेके गए थे और वो मैच भी इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं था। वहीं हम अगर लास्ट मैंस के मैच की बात करें तो 2022 में हुआ था, वो हाई स्कोरिंग था, 207 बने थे 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन 149 पे ही ऑल आउट हो गई थी टीम। उस मैच में हमने क्या देखा था, पहली पारी में राइट आर्म पेसर्स को 2 विकेट मिले थे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर को 1, दूसरी पारी में राइट आर्म पेसर्स को 6, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को 1, लेफ्ट आर्म चाइना मैन को 3। यानी कि जो मेंस का मैच हुआ था इस वेन्यू के ऊपर, अगर आप अस्यूम कर रहे हो कि टारगेट अच्छा जाएगा आज के मैच में 180-170 तक जाएगा, तो मेंस के मैच में गाइस यहां पर आप देखोगे कि 8 विकेट जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को मिले थे और यहां पर 5 विकेट जो हैं स्पिनर्स को मिले थे। लेफ्ट आर्म चाइना मैन रेयर केस बॉलर होते नहीं है ज़्यादा, तो यहां पर 5 विकेट मिले थे स्पिनर्स को और 8 विकेट मिले थे फास्ट बॉलर्स को। जनरल पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पिच यहाँ पर कहते हैं कि द पिच कैन बी गुड फॉर बैटिंग बट द न्यू बॉल में स्विंग, नई बॉल जो है वो स्विंग हो सकती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर तो यहाँ पर 145 रन का ही है, लेकिन 170 अगर 175 बन जाते हैं तो वो पार हो सकते हैं, यानी कि वो इनफ हो सकते हैं डिफेंड करने के लिए। और यहाँ पर भी आप देखोगे मेंस के मैच में जब 207 बने तो 149 पे दूसरी टीम ने ले लिया था उनको, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर लो 150 से 160 रन्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर लो, प्लस यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद है कम्पेयर टू स्पिनर्स। स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन फास्ट बॉलर जो है वो आपके 1 से ज़्यादा विकेट्स ले सकते हैं। दोनों टीम का स्क्वाड अपने सामने देख सकते हो। 2024 का फॉर्म T20 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हर प्लेयर का देख सकते हो। अगर आप सीरियसली ग्रैंड लीग जीतना ही चाहते हो तो दोनों मैच की पहली वीडियो उठा के देख लेना, यूट्यूब पर मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने एक एक प्लेयर का एक्सप्लेन किया है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, हर चीज़ मैंने डिस्कस की है, तो वो वहाँ से आप देख लेना फिर से, क्योंकि मैं पढ़ के बताऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा और मैं जो एक बार बता चुका हूँ वो मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं वॉच टाइम के लिए चैनल नहीं चलाता हूँ अपना। चलते हैं हेड टू हेड प्लस वेन्यू की तरफ, यानी कि दोनों टीम जब आपस में खेलती हैं और इस वेन्यू के ऊपर सोफिया गार्डन के ऊपर खेलती हैं तो प्लेयर्स ने क्या किया है। अब देखो, हेली मैथ्यूस ने अगेंस्ट ओवल्स 2 मैच में 21 रन किए, 3 विकेट लिए, और इस वेन्यू के ऊपर हेली मैथ्यूस ने 7 मैच में 215 रन किए, 1 हाफ सेंचुरी है, 7 विकेट है। टैमी ब्यूमोंट जब ओवल के साथ खेलती हैं हेड टू हेड में 2 मैच में 42 रन है, वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 234 रन है, 100 है टैमी ब्यूमोंट की। सारा ब्राइस 1 मैच में 9 रन है हेड टू हेड में और वेन्यू में 6 मैच में 146 रन है। फ्रेयर डेविस के हेड टू हेड में 4 मैच में 2 विकेट हैं, वेन्यू पर 4 मैच के अंदर 6 विकेट हैं। एलिस ग्रिफिथ हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट हैं, वेन्यू पर 1 मैच में 1 विकेट है। सोफिया डंकली इनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में 5 मैच में 125 रन है, 1 विकेट है, कुछ खास नहीं, लेकिन वेन्यू के ऊपर अगर आप देखोगे तो 5 मैच में 207 रन किए, 2 बार हाफ सेंचुरी किए और 3 विकेट भी यहाँ पर लिए हैं। अगर बॉलिंग करती हैं तो अच्छी मतलब रहेंगी, वैसे पहले मैच में तो बॉलिंग करी नहीं थी लेकिन बैटिंग से चली थी बहुत बढ़िया, तो इस वेन्यू के ऊपर भी अच्छा रिकॉर्ड है, 250 हैं यहाँ पर 5 मैच के अंदर, 207 रन है। कोई भी फ्रैंकली ने हेड टू हेड में नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 2 मैच के अंदर 1 विकेट है। शबनम स्माइल का हेड टू हेड देखो, 1 ही मैच के अंदर 3 विकेट है और वेन्यू पर 3 मैच के अंदर 5 विकेट हैं।
बाकी गाइस जेस जोनासन, बेथ लैंगस्टन, एमिली विंडसर, एला मैकन, जॉर्जिया डेविस, केट कोपाक, इन्होंने ना हेडवेड में खेला है ना वेन्यू पे खेला है, तो इनका ऊपर जो रिसेंट फॉर्म है ना उससे आप जज कर सकते हो। ओवल इनविंसिबल की तरफ से देखो तो हेड टू हेड में देखो अगेंस्ट वेल्शफायर लॉरेन विनफील्ड 2 मैच में 42 रन, जॉर्जिया बॉयसी 1 मैच में 13 रन, लॉरा एरिस 3 मैच में 19 रन, मरीजा निकप 1 मैच में 3 रन और 4 विकेट। बैटिंग से नहीं चली थी लेकिन बॉलिंग से 4 विकेट लेके गई थी एक ही मैच में। एलिस कैप्सी 2 मैच में 17 रन 1 विकेट, जो गार्डनर वेन्यू के ऊपर 1 मैच खेला है 14 रन, पेगी स्कॉफील्ड हेड टू हेड में 1 मैच में 5 रन है 2 विकेट हैं। पहले मैच में बहुत बढ़िया चली थी, बहुत से लोग लेके भी नहीं आए थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने 70-75 रन की। इस वैली के ऊपर 1 मैच में 5 रन है 2 विकेट हैं, हेड टू हेड में कभी खेला नहीं है। सोफिया स्मॉल 1 मैच में 1 विकेट है हेड टू हेड में। मैडी विलर्स का 2 मैच में 1 विकेट है। अमांडा एजे वेलिंगटन काफ़ी कमाल की प्लेयर, 3 मैच के अंदर 4 विकेट हैं। पहले मैच में हमारी वाइस कैप्टन थी, बढ़िया जिताया था हमको 3 विकेट लेके। हेड टू हेड में 3 मैच में 4 विकेट है। इस वैली के ऊपर 2 मैच के अंदर 3 विकेट है। बाकी गाइस चमारी अथापत्तु तो अवेलेबल रहेंगी नहीं, एशिया कप का फाइनल है आज, उसके बाद कह सकते हो 2 मैच के बाद आपको देखने को मिले, फिर तो सभी मिलेंगे, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, स्मृति मंदाना और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स। लिजी स्कॉट, रिची स्लेटर, रियाना मैकडोनल्ड, अमेरा कर, इन्होंने खेला नहीं है ना हेड टू हेड में ना इस वेन्यू के ऊपर। रियाना मैकडोनल्ड गे को गाइस इग्नोर मत करना, बहुत अच्छी प्लेयर है, पहले मैच में भी हमने स्मॉल लीग में रखा था, फिर से रखेंगे। यहाँ से गाइस टीम की तरफ चलते हैं, सबसे पहले तो स्मॉल लीग टीम की तरफ। तो गाइस अभी के लिए जो मेरी स्मॉल लीग की टीम है वो ये है आपके सामने। इसमें गाइस मैंने किस किस को लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लॉरेन विनफील्ड हिल को लिया हुआ है। अच्छा, ऑप्शंस आपके पास बहुत अच्छे हैं और तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से अगर आप देखो तो। टेमी ब्यूमोंड का यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा T20 फॉर्मेट में लॉरेन विनफील्ड ज़्यादा एग्रेसिव लगती हैं। हालांकि बात सेम ही है, दोनों जल्दी अपना विकेट भी गवा देती हैं गलत शॉट की वजह से, लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। तो विकेट कीपर तो वाइस जनरली आपको सब बंदों के अलग अलग देखने को मिलेंगे, जिसकी जैसी समझ, जिसकी जैसी रिसर्च। यहाँ से मैंने सोफिया डंकली को लिया है, और भी ऑप्शंस है, लेकिन अभी के लिए जो मेरी फाइनल टीम है, मैडी विलियर्स लिया, रियाना मैकडोनल्ड, मरीजाने कप, एजे वेलिंगटन, सोफिया स्मॉल, और इनकी तरफ से देखो वेल्शफायर, जेस जोनासन, फ्रेया डेविस, शबनम स्माइल, एली मैथ्यूस, वाइस कैप्टन। तो अभी के लिए मेरी टीम है, हो सकता है मैं कोई चेंजेस ना करूं, और कर भी दूं तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। बाकी गाइस यहां से अगर आप देखो तो स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस, पेगी स्कॉफील्ड बहुत अच्छा पारी खेल के आ रही है, आप देखो कितने रन्स बनाए थे इन्होंने लास्ट मैच के अंदर, हम लिए थे, आज मैं नहीं फिट कर पा रहा हूं, 71 रन्स बनाए थे इन्होंने, तो आज मैं नहीं फिट कर पा रहा हूं, देखते हैं अगर किसी प्लेयर की जगह करते हैं तो कर लेंगे। लेकिन कोई पिच फील्ड बहुत अच्छी ऑप्शन है, और कोई मुझे स्मॉल लीग के लिए इतना अच्छा लग नहीं रहा है, लॉरा एरिस कर सकती हैं, लेकिन आप इतना रिस्की पे क्यों रखोगे अपनी टीम के अंदर। वहीं गाइस एलिस कैप्सी को मैंने नहीं रखा हुआ है, पहले मैच शायद बॉलिंग नहीं करी थी एलिस कैप्सी ने, इस वेन्यू के ऊपर थोड़ा सा अच्छा नहीं है सीन, और बॉलिंग भी नहीं करी थी, लेकिन रन जरूर बनाए थे पहले मैच के अंदर, 52 बनाए थे एलिस कैप्सी, सब पे होंगी, आप चाहो रख सकते हो किसी भी बॉलर को ड्रॉप करके। शूटर खेलती है तो शूटर ऑप्शन होंगी हमारे, बिल्कुल मस्ट हैव पिक मेगान शूट। बाकी रेशल स्लेटर लेफ्ट आर्म पेसर है, फास्ट बोलर्स को यहाँ पर मदद है, चाहो तो स्मॉल लीग के अंदर रख सकते हो। अभी गाइस मेरी ये हो गई फाइनल टीम, सेव कर लो, चलते हैं ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको, नंबर वन ऑप्शन इस मैच के अंदर, नंबर वन पिक कैप्टनसी की हेली मैथ्यूज़ रहेंगी, मैन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, सॉरी नंबर वन मरीजाने कब रहेंगी, माइंड स्लिप, मरीजाने कप रहेंगी, नंबर टू पे हेली मैथ्यूस, नंबर थ्री पे अमांडा जेड वेलिंगटन, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से दे सकती हैं, नंबर फोर पे जेस जोनासन रहेंगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको दे सकती हैं, उसके बाद नंबर फाइव पे अगर आप चाहो तो शबनम स्माइल को ट्राई कर सकते हो। तो ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो, आप इन प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टनसी इन प्लेयर्स को तो बढ़िया करके जाओ, एक टीम ग्रैंड लीग की ऐसी बना लेना जो बाई डिफ़ॉल्ट हो, अच्छी टीम हो, स्ट्रॉन्ग टीम हो, उसमें आप गाइस एलिस कैप्सी और रियाना मैकडोनल्ड के को कैप्टन वाइस कैप्टन दे देना, या इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेके आओगे इस मैच के अंदर। अब ये जो मैंने पिक्स बताएं इनको गाइस आप थोड़े से रिस्की पिक्स जो हो गए, फॉर एग्जांपल बॉलर्स हो गए उनके साथ घुमा दो, है ना, बैटर्स हो गए सोफिया डंकली के साथ घुमा दो, पेगी स्कॉफील्ड के साथ घुमा दो, ऊपर विकेट कीपिंग में चले जाओ टेमी ब्यूमोंड के साथ घुमा दो, बस यही करना है सिंपल। देखो कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बन जाते हैं, और लग होता है अगर सारे क्लिक कर गए एक साथ तो बढ़िया ग्रैंड लीग में अच्छी से अच्छी रैंक आप लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो उस वीडियो के नीचे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन पर जैसे क्लिक करोगे लिंक मिल जाएगी।